इंदौर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर जड़िया ने कोरोना महामारी के चलते सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मरीजों की संख्या को लेकर चल रहे संदेश को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को लेकर इंदौर कलेक्टर से बात करते हुए इस तरह के मामले में साइबर क्राइम के तहत सख्त कार्यवाही करने की बात भी कही है। और हाल ही में फैलाई गई जानकारी को भ्रामक बताते हुए उस इलाके में हुई सैंपलिंग सहित अन्य जानकारियां भी दी। साथ ही बीते कल में आए कोरोना के मरीजों की सैंपलिंग को लेकर हुई मौतों के आंकड़ों को भी मीडिया के सामने रखा। इंदौर में एक बार फिर कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बड़ा इजाफा हुआ है। कल देर रात हुई रिपोर्ट में 136 नए मरीज पाए गए, वहीं अप्रैल माह में 2 मौतें हो जाने की पुष्टि की गई। इंदौर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 5,632 हो गई, वहीं मौत का आंकड़ा 280 तक पहुँच गया है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। कल रात तक जो हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें 2658 टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। 2517 उसमें से नेगेटिव थे और 136 पॉजिटिव थे। पॉजिटिविटी रेट कल की 5% के आसपास ही थी। टोटल अभी तक 5,632 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि हम 1,11,000 से अधिक टेस्ट लगा चुके हैं। टोटल पॉजिटिविटी हमारी 5% पे ही चल रही है। कल कोई भी मृत्यु नहीं थी। 2 मृत्यु पुरानी जो रिकन्सिलिएशन के तहत की गई थी वो अप्रैल माह की थी और उन्हें मिलाकर 280 मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का प्रतिशत 4.9% आ रहा है। कल 13 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद टोटल डिस्चार्ज की संख्या 4,087 हो गई है। रिकवरी रेट हमारी निरंतर बेहतर होती जा रही है। संभावना है कि आज भी कुछ मरीज दोनों अस्पताल विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जाएंगे। ये भ्रामक जानकारियाँ मुझे समझ में नहीं आता कि किस उद्देश्य से दी जाती है और उनका क्या लाभ उनको मिलने वाला है। अभी तक किसी भी क्षेत्र से 40 पॉजिटिव होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं वहाँ से 6 या कल जो हमारा बुलेटिन था उसमें मैक्सिमम जो थी वो 10 थी किसी एक स्थान से। हो सकता है, संभावना बता रहा हूँ, कि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यदि 40 या अधिक लोगों की सैम्पलिंग हुई हो, जाँच हो रही हो, जिन्हें ये बताया जा रहा है कि वो पॉजिटिव आए, तो ये एक संभावना है। इसे काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और कलेक्टर महोदय से चर्चा करके जो भी इस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है साइबर क्राइम के तहत वो कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।